शेमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेटा लाओ मुझे तो फोन, मैं फोटो क्लिक करता हूं। वैसे कियारा बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आप इस ड्रेस में किसी मैगजीन की कवर की मॉडल से कम नहीं लग रहे। ये कह रहा हूं ना वरुण, नाइस। बस हो गया, अब कीर्ति घर चले। मेरा मतलब है कि घर पे सब लोग वेट कर रहे होंगे, हमें चलना चाहिए। अरे यार इतनी भी क्या जल्दी, जाने से पहले एक सेल्फी तो बनती है ना, इस पल को थोड़ा यादगार बनाया जाए। कम माइल, इन यादों को थोड़ा अच्छा बना दो यार मेरे लिए, थोड़ा मुस्कुरा दो वरुण। जब से तुम वापस आई हो सिया को बस अपनी मम्मी चाहिए। अरे मुझे तो देखती भी नहीं है, सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ। तो अगर मेरी बेटी मुझसे प्यार कर रही है तो ये गलत है क्या? सिर्फ प्यार नहीं करती है, अरे भक्त बन गई है वो तुम्हारी। पता नहीं कौन सा जादू कर दिया तुमने उस पे। तुम दुखी होती हो तो वो दुखी होती है, तुम रोती हो तो वो रोती है, और सिया की आंखों में आंसू मैं नहीं देख सकता। मैं जानती हूँ कि आपको भी सांवी की उतनी ही चिंता है, और सिया के नाम से बस आप बहाना बना रहे हैं। इसलिए श्रद्धा तुम घर जाओ, अपनी भक्त सिया के पास रुको, मैं यहाँ संभाल लूंगा। इस बार गलती हुई है, दोबारा नहीं होगी। श्रद्धा तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना, मैं संभाल लूंगा यहाँ। आपको जब कभी भी मेरी याद आए ना, आप मुझे फोन करना, और जो मैंने आपको सिखाया है सही और गलत इंसान के बीच का फर्क, वो याद रखना। अपने आँख और कान हमेशा खुले रखना बेटा, हमेशा सतर्क रहना, और बेटा मेरी पीली परवरिश हमेशा याद रखना।
श्रद्धा तुम फिर आ गई। बार बार मैं एक ही गलती नहीं करता तुम्हारी तरह। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे सांवी की फिक्र हो रही थी। मैं जानती हूँ इस बात को कि चोरी करने की ये शर्म उसे मनी मन खाए जा रही है। श्रद्धा तुम बार बार ऐसे घबरा नहीं सकती। तो तुमने खुद सांवी को भेजा ना ताकि उसे भी पायल की असलियत का पता चले। अब ये सब तो होगा ना। मैं जानती हूँ अभय, ऐसा करके मैंने बहुत बड़ा खतरा मोल लिया है। लेकिन अब मुझे सचमुच बहुत घबराहट हो रही है। हे भगवान, ये सांवी को ऐसे अकेले जाने की जरूरत कहां पड़ रही है? चलो। भगवान जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर मेरी गलती की सजा आप मेरी मम्मा को मत देना। मेरी मम्मा बीमार है और उनको ठीक करने के लिए मैंने ये पैसे लिए थे। सॉरी। मुझे गर्व है अपनी बच्ची पर। मुझे तुम्हारी दी गई परवरिश पर। श्रद्धा, तुमने सानवी को हमेशा सिखाया है कि कभी गलत नहीं करना। अब पायल चाहे कुछ भी कर ले, सानवी का दिल उसे कभी कुछ गलत नहीं करने देगा। मुझे उसमें तुम्हारी परछाई दिखती है। पैसे चुरा कर यहाँ आई हैं? मम्मा, ये पैसे हमारे नहीं हैं। तो अब आप हमें बताएंगी कि ये पैसे किसके हैं और किसके नहीं? हमें हमारे पैसे दीजिए, वापस दीजिए हमें हमारे पैसे। मम्मा, ये पैसे हमारे नहीं हैं। छोड़ो, वरना भगवान जी हमें पनिश करेंगे। आप हमारे पैसे नहीं देंगी? ठीक है, अब हम बताते हैं कि हम आपके साथ क्या करते हैं। इसकी इतनी हिम्मत मेरी बच्ची पर हाथ उठाएगी? छोड़ूंगी नहीं मैं इसे। अब है वो औरत मेरी बच्ची पर हाथ उठा रही है, मैं ऐसे खड़े खड़े नहीं देख सकती। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।